नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कालूचक में मंगलवार की सुबह बकरी बांधने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें चचेरे पोते ने लाठी से सिर पर प्रहार कर दादा पीताम्बर सिंह की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कालूचक निवासी पीताम्बर सिंह की बकरी बांधने के कारण गंदगी होने पर एक बच्ची द्वारा उसे मना किया गया, जिस पर पीताम्बर सिंह ने बच्ची को थप्पड़ जड़ दिया। वह इसकी जानकारी मिलने पर बच्ची का भाई रोशन सिंह लाठी लेकर आया और रिश्ते में दादा लगने वाले पीताम्बर सिंह पर पीछे से प्रहार कर दिया। इधर लाठी के प्रहार से पीताम्बर सिंह जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें परिजनों द्वारा रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही रंगरा थाना अध्यक्ष नीरज कुमार पीएचसी पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर मामले की जानकारी ली। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है और मृतक की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जबकि जांच में एफएसएल की टीम की भी मदद ली जा रही है और घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक जांच के लिए सैंपल भी एकत्रित किया गया है। इसके अलावा थानाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अनुसंधान कर रही है और जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर मामले को लेकर नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज ने कहा कि पीताम्बर हत्याकांड में रोशन सिंह समेत 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। देखिए, ये कालंदी नगर कालूचक गांव है, वहीं पे दादा और पोता के ये मतलब पोतिया कह लीजिए, चचेरा दादा पोता है पीताम्बर सिंह, जिनकी उम्र 60 साल है, और उन्हीं का चचेरा पोता है रोशन कुमार सन ऑफ देवेंद्र सिंह। बहुत मामूली सी बात है विवाद का। मृतक का जो बकरी था, जो बकरी जो गंदा करता है, वो रोशन के दरवाजे की ओर चला गया था। इसी मामूली बात को लेकर के मारपीट हुई, जिस मारपीट क्रम में लाठी से पीताम्बर सिंह के सिर पर वार किया गया। उन्हें इलाज के लिए लाया गया रंगरा पीएससी में, लेकिन पीएससी पहुंचने के पहले ही वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो फिर मृतक की ओर से FIR की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 6 लोगों को उन्होंने नेम्ड किया है और हम लोग फिर जाँच करवाएंगे, जो भी दोषी है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा जेल में। बांका के शंभुगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुडी निवासी 60 वर्षीय किसान मोहम्मद कमालुद्दीन की मंगलवार की रात सोए अवस्था में अपराधियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि इंग्लिश मोड़ शंभुगंज मुख्य सड़क किनारे मोहम्मद कमालुद्दीन की करीब 4 बीघा जमीन है, जिससे उसने नंदकिशोर नामक व्यक्ति से खरीदा था। वहीं इसको लेकर मृतक किसान के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व जमीन बिक्री करने वाले एक फरीक विक्रम पांडे को उसकी जमीन का गलत तरीके से केवाला कर देने की जानकारी मिली, जिसके बाद विक्रम पांडे ने मोहम्मद कमालुद्दीन के खिलाफ थाने में शिकायत की। परिजनों ने बताया कि इसके बाद विवाद धीरे धीरे गहराता चला गया और अब मोहम्मद कमालुद्दीन की हत्या कर दी गई। इधर बुधवार की सुबह घटना की सूचना मिलते ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने इंग्लिश मोड़ मुख्य सड़क को जाम कर दिया। साथ ही हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इसकी सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पंकज कुमार राउत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद सड़क जाम हटाया गया। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों का साथ मिल जाने के बाद ग्रामीण फिर से सड़क पर डट गए और स्कूल के साथ इमरजेंसी सेवा में आने वाले दूध वाहन एवं एम्बुलेंस को भी बैरंग लौटा दिया गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने रुदपय गांव के बबलू पांडे सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। इधर SDPO विपिन बिहारी और पुलिस निरीक्षक सुबोध राव भी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उपद्रवी तत्वों ने उन्हें भी खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी मनोज पासवान का सिर फट गया और कई कर्मी घायल हो गए। हालांकि ATM माधव कुमार सहित जिले के कई अधिकारी के पहुंचने के बाद किसी तरह समझा बुझाकर जाम हटवाया, जबकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया।
श्री दादी जी सेवा समिति की ओर से आयोजित होने वाले वसंत महोत्सव सह चरण पादुका उत्सव की तैयारी को लेकर बुधवार को भागलपुर गौशाला कार्यालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति और दादी सेना के संयुक्त तत्वावधान में 18 और 19 मार्च को होने वाले महोत्सव से जुड़ी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। इस दौरान दादी जी सेवा समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार खेतान ने बताया कि 18 मार्च को सुबह 7:30 बजे चुनिहारी टोला स्थित रानी सती मंदिर परिसर से कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें एक ही रंग की साड़ी पहनी महिलाएं नगर भ्रमण करते हुए रंग बिरंगी झांकियों और नृत्य मंडली के साथ गौशाला परिसर पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि दादी जी का विग्रह बंगाल, राजस्थान और झारखंड से आई नृत्य मंडली, बैंड बाजा, घोड़े और ध्वजा के साथ हजारों की संख्या पुरुष, महिला, युवक, युवती और बच्चे भी इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर कोलकाता से पहुंची सुप्रसिद्ध गायक मंडली के द्वारा दादी जी के जीवन दर्शन को नृत्य नाटिका के माध्यम से दर्शाया जाएगा। अनिल खेतान ने बताया कि इस महोत्सव में मंगल पाठ, दादी जी का अलौकिक श्रृंगार और अखंड ज्योत पूजन होगा, जबकि इसके अलावा महिलाओं द्वारा 56 भोग लगाने के साथ चुंडी और मेहंदी उत्सव मनाया जाएगा। वहीं जॉनी संथालिया ने बताया कि इस वर्ष की सबसे खास बात यह है कि राजस्थान झुंझुनू से दादी सेना द्वारा भागलपुर लाई गई श्री रानी सती दादी जी की चरण पादुका का 201 भक्तों द्वारा सवा मंदूत एवं सिंदूर से महाभिषेक किया जाएगा, जिसमें दादी जी के 1008 नामों के साथ मंत्रोच्चार किया जाएगा। साथ ही कहा कि इसके अलावा भी कई कार्यक्रम कर महाआरती के साथ महोत्सव संपन्न होगा। मौके पर ओम प्रकाश कानोडिया, अरुण लाट, आत्माराम बुधिया, पंकज चलन समेत समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। नाटका साथ 18 तारीख की है, 19 मार्च को हमारे भागलपुर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। श्री रानी सती दादी जी का चरण जो है, यह एक भागलपुर के लिए नया कार्यक्रम है। चरण जो है झुंझुनू धाम से, जो हम लोगों की, पूरे मारवाड़ियों की, पूरे हिंदुस्तान के मारवाड़ियों की कुल देवी, जो कुल सती जो है झुंझुनू धाम से, वहां से दादी जी का चरण आ रहा है, उस चरण का यहां पर अभिषेक होगा। सवा मन दूध से, सवा मन सिंदूर से अभिषेक होगा और लगभग 300 पति पत्नी जोड़े के साथ, सिंदूर के साथ यहां पर अभिषेक करेंगे। पंचामृत से चरण का अभिषेक होगा। भागलपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी सीरियल किलर रंजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। सिटी डीएसपी ने बताया कि रंजीत यादव के विरुद्ध हत्या एवं आर्म्स एक्ट के 3 कांड दर्ज हैं और इसने वर्ष 2012 में जमीनी विवाद को लेकर साहेबगंज चौक पर कारू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर तातारपुर के विश्वविद्यालय थाना में केस भी दर्ज किया गया था। वहीं वर्ष 2013 में रामदेव यादव की उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर देने के अलावा साल 2014 में जमीनी विवाद को लेकर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक घर में घुसकर कारू यादव को गोली मारकर हत्या करने का मामला दर्ज है। बताया जा रहा है कि पिछले 11 वर्षों से सीरियल किलर रंजीत यादव फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। वहीं एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद त्वरित छापेमारी करते हुए ललवटिया ओपी के सहयोग से 13 मार्च की रात्रि रंजीत यादव को उसके घर कास्ट टोली नसरत खानी से गिरफ्तार कर लिया गया। इधर डीएसपी ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग करते हुए 13 मार्च की देर रात पुलिस ने शाकचक गुमटी नंबर 12 के पास से संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराध कर्मी को लालूचक भट्टा की ओर से जाते देख रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके बाद रात्रि गश्ती में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी विकास कुमार एवं सशस्त्र बल के सहयोग से एक युवक को पकड़ लिया गया, जबकि 2 अपराधकर्मी चिक्कू यादव और गौरव हरी हथियार लहराते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार रवि कुमार 6 कांडों में आरोपी थे, जबकि फरार चिक्कू यादव और गौरव हरी भी कई कांडों में आरोपी थे। भागलपुर पुलिस एक खूंखार अपराधी जो एक सीरियल किलर भी है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये अपराधी रंजीत यादव है, जिसका घर साहेबगंज में है और इनके पिता का नाम सिकंदर यादव है। ये व्यक्ति लगातार एक के बाद एक हत्या के एक मामले को अंजाम दिया है। ये भूमि विवाद को लेके कारू यादव को साहेबगंज चौक पे गोली मारकर हत्या कर दिया था, और अगले साल इसके भाई जो इस मामले के गवाह थे,
उनकी भी हत्या इनके द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। और 2014 में फिर उसके अगले साल इनके द्वारा उसके जो दूसरे भाई हैं गांधी यादव, उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उनके घर जाकर के। तो लगातार ये हत्या की घटना को अंजाम देते गए हैं और पिछले 11 साल से ये फरार थे। हाँ, इनके पे एक वारंट था, वारंट, हाँ इनके ऊपर वारंट, ये वारंटी थे, पिछले 11 साल से फरार थे और ये वारंटी थे। इन पे जो मामले दर्ज हैं 148/12, इन्हें 2012 में 148 संख्या के कांड संख्या दर्ज किया गया था विश्वविद्यालय में, फिर 675 2013 में कांड संख्या दर्ज किया गया था विश्वविद्यालय में, जो मर्डर और आर्म्स एक्ट का केस है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी है, मैं सीनियर कंसल्टेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता में कार्यरत हूँ। हम लोग 18 मार्च 2023 को मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भागलपुर में आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, और कैंसर और कैंसर रिलेटेड समस्याओं के बारे में सुनेंगे और सुझाव देंगे। मेरा स्पेशलिटी ब्लड और ब्लड से संबंधित बीमारियां हैं, लाइक थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, लो प्लेटलेट का काउंट, लो हीमोग्लोबिन, उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में हम सुझाव देंगे। कुछ कैंसर जो कि कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होता है, उस कंडीशन में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, थैलेसीमिया का बीमारी के लिए ट्रांसप्लांट करते हैं, इसके संबंधित भी आप लोग को जानकारी देंगे। तो हमारा आग्रह है और सुझाव है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर में आइए, ताकि हम लोग आप लोग के साथ बैठकर और इंटरेक्ट करके आप लोग के समस्या का समाधान कर सकें। नमस्ते दोस्तों, कैंसर सुन के सब डर जाते हैं ना, और कैंसर बढ़ते जा रहा है सबको मालूम है, और भागलपुर जैसी जगह में जब कैंसर सुनते हो तो आप तुरंत शहर की तरफ दौड़ने का सोचते हो। आज आपके लिए खुशखबरी की बात है, अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता आपके लिए कैंसर की पूरी टीम, यस दोस्तों पूरी टीम, मेडिकल सर्जिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को लेके 18 तारीख को मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपकी दुविधा को दूर करने के लिए आ रही है। कोई भी शंका हो, सेकेंड ओपिनियन हो, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, एक छत के नीचे ऑल स्पेशलिस्ट आपके लिए भागलपुर में आ रहे हैं। मैं डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मिलते हैं आपसे 18 तारीख को भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को दिल्ली के राउच एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने पर खुशी व्यक्त की है। अरुण कुमार ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। उन्होंने कहा कि राजद परिवार और उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों को न्यायपालिका पर पूर्ण आस्था और विश्वास था कि इस मामले में तीनों नेताओं को जमानत मिलेगी। साथ ही कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में जमानत मिलने के बाद भाजपा को करारा झटका लगा है। राजद नेता ने कहा कि बिहार में जब से महागठबंधन की नई सरकार बनी है तब से केंद्र की भाजपा सरकार बौखला गई है और जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे लालू प्रसाद और उनके परिवार को टारगेट कर राजनीतिक द्वेष से परेशान कर रही है। आज दिल्ली के सीबीआई के विशेष अदालत द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर मीसा भारती जी को जमानत मिलने पर हम न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गाल पर करारा तमाचा लगा है। जिस तरीके से जब से बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी है तब से खास करके
केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके लालू प्रसाद यादव जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी सहित उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, यह घोर निंदनीय है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर ईडी और सीबीआई के रेड का मामला सूबे में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर भागलपुर के जदयू महासचिव शिशुपाल भारती ने कहा कि केंद्र सरकार लालू यादव और उनके परिवार को टारगेट कर बेवजह परेशान करने का काम कर रही है, जो कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लालू यादव समेत उनके परिवार पर दबाव बनाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही शिशुपाल भारती ने कहा कि बीजेपी ने देश की स्वायत्त केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई को अपने कब्जे में कर लिया है और अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए जांच के रूप में दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। इसको स्पष्ट रूप से यही देख रहे हैं कि केंद्र में जो बैठी सरकार है, जो आगामी 2024 का चुनाव है लोकसभा का, उस चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी से समर्थित सरकार अपना इस एजेंसी का उपयोग करके, दुरुपयोग करके इस तरह का काम कर रही है। क्या लगता है कि लोगों को नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनके पूरे परिवार को परेशान करके एक दबाव बनाया जा रहा है ईडी और सीबीआई के माध्यम से कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ जाएं और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, इसके लिए ये दबाव बनाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, आज कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, इतना करोड़ उतना करोड़, एक सीजर लिस्ट तैयार करके सार्वजनिक कर देना, इतना इतना रुपया इन इन जगहों से मिला है। कोई सार्वजनिकता नहीं है, कोई सीजर लिस्ट नहीं है। आप देखेंगे आम तौर पे छोटे घरों में भी अगर छापा मारता है तो एक सीजर लिस्ट बनता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।